Hello guys, my name is AJ and you're watching Wrestle AJ. तो क्या हमको पॉसिबली हमारे डीन एम्ब्रोस उनका WWE रिटर्न करते हुए देख सकते हैं, क्योंकि जो डीन एम्ब्रोस है गाइज उनका अभी गाइज AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट जल्दी खत्म होने वाला है। सो गाइज पूरा डिटेल जानने के लिए ये वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आज के वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले। अगर आप डीन एम्ब्रोस के बड़ा वाले फैन हो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियोज देखने के लिए, बिकॉज आपको जो डीन एम्ब्रोस है गाइज वो WWE के वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स है। गाइज डीन एम्ब्रोस गाइज तब से जो शील्ड के साथ डेब्यूट किया गाइज उनका वो करियर तो बहुत ही बड़े बड़े हाइस तक चला गया था। तो क्या हमको पॉसिबली गाइस डीन एम्ब्रोस फिर से WWE में आते देख सकते हैं? तो गाइस 2019 आपको याद होगा, गाइस डीन एम्ब्रोस WWE की कंपनी छोड़ी, क्योंकि तभी के टाइम जो डीन एम्ब्रोस और WWE गाइस उनके बीच में गाइस कुछ बातें बन नहीं रहे थे, इसलिए WWE ने तभी के टाइम डीन एम्ब्रोस को गाइस उनके कंपनी से गाइस जो कॉन्ट्रैक्ट है गाइस वो ज्यादा ऑफर नहीं किया और डीन एम्ब्रोस तभी के टाइम कंपनी छोड़कर चले गए, क्योंकि उनको भी गाइस WWE के साथ रहना नहीं था। और फिर गाइस डीन एम्ब्रोस ने गाइस मई के महीने में गाइस उन्होंने AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। गाइस तभी के डीन एम्ब्रोस ने AEW के साथ गाइस 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। गाइस 2019 के मई में गाइस डीन एम्ब्रोस ने AEW के साथ गाइस 3 साल का AEW कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, और गाइस वो 3 साल खत्म होते हैं ये साल 22 में, क्योंकि 2019, 2021, 2022 गाइस ये 3 साल तो पूरे कंप्लीट हो गए। इसलिए गाइस डीन एम्ब्रोस क्या उनको पॉसिबली WWE में वापस दे सकते हैं? ऐसे रिपोर्ट्स है कि जो WWE गाइस उनको डेस्परेटली डीन एम्ब्रोस उनके कंपनी में वापस है, क्योंकि डीन एम्ब्रोस गाइस कंपनी के वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स है। और ये तो नो डाउट है कि डीन एम्ब्रोस कंपनी को बहुत ही ज्यादा स्पॉटलाइट देते हैं, इसलिए से WWE गाइस को कोई भी हालत में गाइस डीन एम्ब्रोस चाहिए। गाइस पहले मैं इतना मानता नहीं कि डीन एम्ब्रोस कंपनी में आ सकते, उसके चांसेस बहुत ही ज्यादा कम थे पहले। गाइस तब से गाइस कोडी रोड्स के रूमर्स आने लग गए कि कोडी रोड्स को कंपनी में आते हुए दिखने वाले, तब से गाइस मैं होप कर रहा हूं कि डीन एम्ब्रोस भी गाइस हमको इन द कमिंग फ्यूचर कंपनी में उनका रिटर्न करते हुए दिख सकते हैं। गाइस कभी भी हो सकता है, देखते गाइस डीन एम्ब्रोस कब उनका WWE रिटर्न करते हैं। होपफुली गाइस पॉसिबली WrestleMania 38 के बाद ही हो सकता है, क्योंकि डीन एम्ब्रोस गाइस उनका कॉन्ट्रैक्ट रेसलमेनिया 38 के बाद ही खत्म होगा। अगर इस पॉसिबली गाइस कॉन्ट्रैक्ट उसके पहले खत्म होगा, तो डीन एम्ब्रोस रेसलमेनिया 38 में भी उनका WWE रिटर्न करते हुए दिखे, चांसेस बहुत ही ज्यादा कम। इसलिए गाइस मोस्ट प्रोबेबली हमको डीन एम्ब्रोस को रीसाइन करते हुए दिखे। रिपोर्ट भी है कि WWE गाइस कुछ भी होगा तो बहुत ही पैसे फेंकने वाले हैं डीन एम्ब्रोस के ऊपर उनको फिर से रीसाइन करने के। डीन एम्ब्रोस सबसे बड़े स्टार है और वो कोई भी हालत में गाइस डीन एम्ब्रोस कंपनी में फिर से, इसलिए बहुत ही मोटे मोटे पैसे फेंकने वाले यानी देने वाले हैं डीन एम्ब्रोस के ऊपर, क्योंकि उनको डीन एम्ब्रोस कोई भी हाल होगा उनको वापस, क्योंकि गाइस AEW में तब से डीन एम्ब्रोस गए उनको बहुत ही बड़े बड़े लॉसेस हुए हैं। गाइस AEW का जो मेन रोड है गाइस वो डीन एम्ब्रोस के वजह से, इसलिए गाइस WWE कोई भी हाल हो गाइस पूरी जी जान लगाने वाले हैं डीन एम्ब्रोस को फिर से कंपनी में लाने के लिए। और पॉसिबली गाइस उनका प्लानिंग वो रोमन रेंज के साथ हमको फ्यूड करते हुए दिखने वाला है, क्योंकि गाइस का हमेशा से प्लानिंग को डीन एम्ब्रोस और रोमन रेंज का फ्यूड, तो डीन एम्ब्रोस उनको रिटर्न करके WWE गाइस वो हमको रोमन रेंज के अगेंस्ट ही फेस ऑफ करते हुए दिखने वाले हैं। और गाइस अगर सर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो को कीजिए लाइक, और गाइस हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं, जिसके वजह से आपको हमारे चैनल के रिलेटेड सब अपडेट्स सबसे पहले मिलें।